उधर बीजेपी का महबूबा मुफ्ती से समर्थन वापसी की बड़ी वजहों में पत्रकार शुजात बुखारी की मौत भी थी, लेकिन अब बीजेपी के ही एक विधायक पत्रकारों को धमका रहे हैं। आपने कैसे रहना है? ऐसे रहना है जैसे वो बशारत के साथ हुआ है, इस तरीके के हालात बनते रहे, इसलिए अपने आप को संभालें। बीजेपी के जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं में से एक चौधरी लाल सिंह अपने इस बयान से विवादों में घिर गए हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान लाल सिंह महबूबा सरकार को सबसे खराब बताते बताते पत्रकारों को धमकी भरे अंदाज में नसीहत देने लगे। ऐसे कश्मीर के पत्रकारों ने एक गलत माहौल पैदा कर दिया था उधर। अब तो मैं कश्मीर के पत्रकारों को कहूंगा कि आप भी लाइन ड्रा करिए अपनी जर्नलिज्म की, कि आपने कैसे रहना है। ऐसे रहना है जैसे वो बशारत के साथ हुआ है, इस तरीके के हालात बनते रहे, इसलिए अपने आप को संभालें और एक लाइन ड्रा करें और ताकि भाईचारा ब्रेक ना हो और भाईचारा बना रहे। लाल सिंह इससे पहले कठुआ मामले को लेकर भी सुर्खियां बटोर चुके हैं। वो आरोपियों के समर्थन में वकीलों की रैली में शामिल होने से विवादों में आ गए थे। मामले के तूल पकड़ने पर उन्हें कैबिनेट मंत्री के पद से हटना पड़ा था। लाल सिंह के ताजा बयान को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुद्दा बना दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के नेता उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को घेरते हुए ट्वीट किया है। प्रिय पत्रकारों, कश्मीर में आपके सहयोगियों को बीजेपी के एक विधायक ने धमकी दी है। लगता है शुजात बुखारी की मौत अब गुंडों के लिए दूसरे पत्रकारों को डराने का जरिया बन गई है। आपको बता दें कि शुजात बुखारी जम्मू कश्मीर के बड़े पत्रकार थे, जिनकी 14 जून को अज्ञात आतंकवादियों ने श्रीनगर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। दरअसल लाल सिंह का मानना है कि कठुआ मामले को पत्रकारों की वजह से हवा मिली, जिस वजह से उन्हें मंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा। इसी मामले का संदर्भ लेते हुए ही उन्होंने पत्रकारों को ये हिदायत दी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।